हे स्वागत आपका एक बार फिर से आपकी के यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी को लेकर सुजलॉन एनर्जी के अंदर आप लोग देखोगे भी आज हमें फिर से स्टॉक में जो है ना गिरावट देखने को मिल रही है सुबह तो स्टॉक जो है दो परसेंट तक ऊपर में उठा क्योंकि भी डाटा आपने देखा होगा कल का मैंने आपको दिखाया था कि डाटा अच्छा था ठीक है अच्छे जो बाई ऑर्डर है वो लगे हुए थे डिलीवरी अच्छी उठाई गई थी तो उन सबको देखते हुए स्टॉक में कलियर देखने को मिल रहा था कि स्टॉक पच्चीस के आसपास जा सकता है ठीक है तो वहां से आप लोग देखोगे पच्चीस के आसपास स्टॉक ऊपर में गया फिर ऊपर

टेंशन की तो बात उनके लिए है तो यहां से मैंने आपको क्या बोला नीचे में सपोर्ट बता रखा है आपको उस लेवल के आसपास सपोर्ट लेगा तो इस स्टॉक को लेकर ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो भाई ठीक है बहुत सारे निवेशक हैं जो ज्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं कि स्टॉक का पता नहीं क्या होगा अभी ये और बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आते हैं कि सोलह पर आएगा पंद्रह पर आएगा ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कंपनी का आप लोग जो ना अभी उभरती हुई चीज़ देखो ना अभी उभर क्या रहा है कंपनी में क्या सुधार आ रहे हैं नहीं आ रही हैं वो चीज भी तो है इसी की वजह से स्टॉक में रैली बनी है आठ रुपए से आज जो है आप लोग देखोगे ये 24 के भाव पर आया हुआ है तो ऐसे थोड़ी नहीं आया चौबीस के भाव पर आ गया ठीक है तो इसके अंदर पिछला कुछ तो रीजन रहे है ना इसके पीछे तो वो रीजनस आपके हर वीडियो के दौरान मैंने आपको बताए हैं कंपनी को अच्छे अच्छे ऑर्डर मिले थे पीछे अभी के टाइम में आप लोग देखो दो बड़े ऑर्डर कंपनी ने विन किए हैं तो आने वाले टाइम में ग्रोथ इसके अंदर है तो चलिए एक बार चार्ट देख लेते हैं वहाँ पर क्या कुछ मूवमेंट्स बन रहे हैं ग्रावट को लेकर परेशान नहीं होना है ग्रावट प्रोडक्ट बुकिंग की वजह से चल रही है और थोड़ी बहुत और स्टॉक में ग्रावट आएगी और बाइंग के लिए भी आप लोग देखोगे शॉर्ट टर्म वाले हैं या फिर स्विंग ट्रेड वाले उनके लिए मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था लेवल्स इस वीडियो में आपको बताएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे लगभग इक्यानवे पॉइंट छः मिलियन की वॉल्यूम यानी नौ करोड़ सोलह लाख के करीब स्टॉक में वॉल्यूम लगते नज़र आई है इस वॉल्यूम चलते यहाँ पर जो पी है वो फिफ्टी सेवन पर है आर एस आई की बात करें एम एफ आई की बात करें तो ये दोनों के दोनों मिड रेंज में सिक्सटी के आसपास आप लोग देखोगे एम एफ आई और जो सिक्सटी uh, फाइव के आसपास इसकी आर एस आई है तो ये दोनों के दोनों मिड रेंज में है और स्टॉक अभी के टाइम आप लोग देखोगे आज थोड़ा टूटते हुए नज़र आए पच्चीस का स्टॉक ने आज के दिन हाई लगाया लगभग और फिर ऊपर के लेवल से टूटा है तो चलिए देख लेते हैं अभी क्या है गिरावट कोई बड़ा जो रूप तो नहीं ले ली गई या फिर जो है थोड़ा बहुत गिरावट के बाद स्टॉक ये फिर से एक अप ट्रेंड में आएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी स्टॉक में जो ना अभी फिर से फॉल बनते हुए नजर आया सुबह दो परसेंट के करीब तेजी स्टॉक में जरूर बनी उस तेजी के बाद जो शेयर फिर से टूटे क्योंकि कल के दिन ऑर्डर वगैरह अच्छे लगे हुए थे तो ऐसे में स्टॉक में ऊपर के लेवल से आप लोग देखोगे फॉल बनना स्टार्ट हो चुका है सपोर्ट हमारा क्या नीचे में बाईस रुपये पैसठ पैसे का नीचे में सपोर्ट है तो बहुत सारे निवेशक जो फ्रेश लेने के बारे में सोच रहे हैं देखो भाई शॉर्ट टर्म वाले हैं स्विट्रेड वाले हैं उनके लिए वैसे तो मैंने मना कर रखा लेकिन फिर भी जो भी रिस्की है जो रिस्क लेना चाहते हैं पैंसठ सॉरी बाईस रुपये पैंसठ पैसे का नीचे

के नीचे तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा मौका होगा इन्वेस्ट करने का तो बाईस पैसेंट के नीचे में बाईस के आसपास तो यहां से अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म वाले हैं, स्विंग ट्रेड वाले उनके लिए स्टार्ट हो जाएगी ठीक है और ऊपर में टारगेट रहेंगे इसके पच्चीस से सत्ताईस रुपए के तो नीचे आने दीजिए अभी थोड़ा और टूटेगा ठीक है ये मे भी जो ना अभी बाईस पैंसठ बाईस के रेंज में आ जाएगा स्टॉक ये ठीक है तेईस के नीचे में आ जाएगा वहाँ से एक अच्छा मौका आपके लिए रहेगा बेस्ट मौका आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद है लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो